हेलो। हाँ क्या हुआ? पीएफए ने आपका रिक्रूट सीट कर दिया। ओहो, आपने ऐसा नहीं अप्लाई किया होगा ना? आपको पता है सब क्या होता है? आज मैं आपको बताता हूँ। हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट HACCP। बहुत से मुमालिक में ये हैसब जो है लीगली रिक्वायरमेंट है, कोई भी रेस्टोरेंट या कैफे ओपन करने के लिए। जब तक आपका हैसब सर्टिफिकेशन नहीं होगी तब तक आप रेस्टोरेंट या कैफे ओपन नहीं कर सकते। ISO 22000 या FSSAI 22000 ये सब तब मुमकिन है जब आप हैसब HACCP के पॉइंट एस्टेब्लिश कर दें। हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के सात स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है परफॉर्म अ हैज़र्ड एनालिसिस। इससे मुराद ये है कि आप अपने इक्विपमेंट को चेक करें, आप अपने प्रोडक्ट को चेक करें, किसी को केमिकल तो नहीं मिक्स हो रहा, आपके जो इक्विपमेंट है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाद जो दूसरा स्टेप है वो डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। मिसाल के तौर पे अगर आपका मीट जो है वो 185 या 181 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को हो रहा है तो ये आपका एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। इसके बाद आपने नहीं रखना मीट। और इसके बाद जो पॉइंट आता है वो सेट क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट। मिसाल के तौर पे अगर दिल पर वो 200 के टेम्परेचर पे कुक हो जाता है, ठीक है, तो आया वो क्या 200 के टेम्परेचर पे सही कुक हुआ है? अगर हाँ तो ये उसकी लास्ट लिमिट है। इसके बाद वो खराब होना शुरू हो रहा है। टेस्ट करें कि 205 पे खराब होना शुरू हो रहा है या 210 पे खराब होना शुरू हो रहा है। इसके बाद एक पॉइंट है एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करें, एक क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिट करवाएं, डीपी करवाएं कि आया ये लूज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आया वाकई टेम्परेचर सेट है, जो लिमिट आप लोगों ने सेट की हुई है उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद ये स्टेप है कि अगर आपका मिसाल के तौर पर कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, ठीक है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप उसको क्रिएटिव मीडियस नहीं उनको ठीक करने के लिए वो, ताकि आपके फूड को नुकसान ना पहुँचाए। वेरिफिकेशन प्रोसीजर कंडीशन हर दूसरे दिन वेरीफाई हो रहा हो, हर बंदे की ड्यूटी लगा दी गया कि भी आया इस जो लिमिट है या वो आपकी रूल सेट किए हैं सबके, क्या उसके अकॉर्डिंगली काम जारी है कि नहीं जारी। ट्रेनिंग की बुनियाद पे आप उसका रिकॉर्ड रखें कि आपकी ये सेवन स्टेप जो है वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।